तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है और पिछले एक दो सालों में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से राम सतसई के रचयिता कौन है? नंबर एक राम सहाय दास, बी नंबर नागरी दास, सी नंबर पद्माकर, डी नंबर आलम। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर राम सहाय, ठीक है। राम सतसई के रचयिता राम सहाय जी हैं, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? नंबर एक मुक्तक, बी नंबर चंबू, सी नंबर कथा काव्य, डी नंबर प्रबंधक। तो यानी कि रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य मुक्तक काव्य में है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुजान चैत के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नंबर एक है सूदन, बी नंबर भूषण, सी नंबर मतीराम, डी नंबर केशवदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर सूदन, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1066 किसकी कृत थी? नंबर निजाम खां, बी नंबर शेख निसार, और सी नंबर यूकुब खां, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 1066 की जो कृति है वो यूकुब खां की है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? तो राधा सुधक के रचनाकार ऑप्शन एक है नरिहर दास, बी नंबर घनानंद, सी नंबर श्री हरि जी, और डी नंबर है हरि देव, ठीक है, डी नंबर है देव। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राधा सुधा शतक के रचनाकार श्री हरि जी हैं, राइट आंसर सी नंबर, ओके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे बेशक आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल किस काल के बाद आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन एक है वर्तमान काल, बी नंबर भक्ति काल, सी नंबर आदिकाल, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो रीतकाल है वो भक्ति काल के बाद आता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, भक्ति काल के बाद रीतकाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन एक है पद्माकर, बी नंबर मतीराम, सी नंबर देव, और डी नंबर है बिहारी। तो रीतकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि जो है वो है पद्माकर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राशिकानंद की रचना किस कवि ने की? राशिकानंद की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन एक है कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर ग्वाल, और डी नंबर है गोप। तो राशिकानंद की रचना ग्वाल ने की थी। ग्वाल एक कवि हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, ग्वाल एक कवि हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, कहीं पर रिसर्च करेंगे तो ग्वाल मिल जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में शायद ग्वाल जिससे रिलेटेड कोई सिलेबस नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन राइट आंसर ग्वाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अष्टयाम की रचना है? निम्नलिखित में से अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन एक है बिहारी, बी नंबर भूषण, सी नंबर जसवंत सिंह, डी नंबर देव। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अष्टयाम जो है वो देव की रचना है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं 105, बी नंबर है 520, और सी नंबर है 220, और डी नंबर है 600। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कुंदन को राग फीको लगे झलके अति आंगने चारु गोराइस पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है या एक जो आपके सामने दी गई है, ठीक है, ये किसकी है? तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं मतीराम, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, और डी नंबर है जय सिंह। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मतीराम। कुंदन को राग फीको लगे झलके अति आंगन चारु गोराई, पंक्ति मतीराम की है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्रप्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो छत्रप्रकाश ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं चैत्य काव्य, बी नंबर प्रहसन, और सी नंबर गीत नाट्य, और सी नंबर डी नंबर है रासोकाव्य। तो जो आपका छत्र प्रकाश है वो चरित्र काव्य है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता हैं? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं? नंबर एक गिरधर दास, बी नंबर केशवदास, उसी नंबर है गिरिधर का
कबीर राय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, गिरधर दास हरिश्चंद्र जी के पिता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? नंबर एक देव, बी नंबर पद्माकर, सी नंबर भोजराज, जी नंबर है द्विजराज। तो निम्न में से जो श्रृंगार लतिका है वो द्विजराज जी की, ठीक है, रचना है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन एक है भाषा भूषण, सी नंबर पद्मा मरण, और सी नंबर है रहस्य, और डी नंबर है वाजी भूषण। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रस रहस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन एक है 8, बी नंबर 3, और सी नंबर है 15, और डी नंबर 7। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने श्रृंगार काल को डिवाइड किया है 3 भागों में, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नौ शतरंग के रचनाकार कौन हैं? तो नौ शतरंग के रचनाकार जो हैं, ऑप्शन आपको बेनी, प्रवीण, देव, आलम, पृथ्वी सिंह मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नौ शतरंग के जो रचनाकार वो बेनी प्रवीण जी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से बिहारी जी की भाषा क्या है? ऑप्शन एक है हिंदी, बी नंबर ब्रज भाषा, सी नंबर परिनिष्ठित ब्रज, और डी नंबर है अवधि। तो निम्न में से जो बिहारी जी की लैंग्वेज है या भाषा है वो परिनिष्ठित ब्रज है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह सागर का संपादन किसने किया? ऑप्शन एक है पद्माकर, बी नंबर है लाला भगवान दीन, और सी नंबर जयसी, डी नंबर सेनापति। तो स्नेह सागर का संपादन किया था लाला भगवान दीन ने, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से देव ने किस नए संजारी भाव की उद्भावना की? ऑप्शन एक है छल, बी नंबर विषाद, सी नंबर विवर्त, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छल, ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत काल को अंधकार काल किसने कहा? नंबर एक त्रिलोचन ने, बी नंबर बिहारी ने, सी नंबर बोधा ने, डी नंबर केशवदास ने। तो रीत काल को जो अंधकार काल कहा है वो त्रिलोचन ने कहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप फोकस करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश किसकी कृति है? नंबर एक है घनानंद, बी नंबर मतिराम, सी नंबर देव, और डी नंबर है बिहारी। तो जो छत्र प्रकाश है वो देव की कृति है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीत काल को कलाकाल किसने कहा? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि रीत काल को अंधकार काल किसने कहा, अब क्वेश्चन आ रहा है रीत काल को कलाकाल किसने कहा। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बिहारी, बी नंबर बोधा, डी नंबर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, और डी नंबर है रसलीन। तो रीत काल को कलाकाल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से रीत काल कवि कौन नहीं है? ऑप्शन एक है रसकान, बी नंबर बेनी, और सी नंबर है याकूब खां, और डी नंबर है दुलाहा। तो इनमें से रीत काल कवि जो नहीं है वो है रसखान जी, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगला प्रश्न है श्री कृष्ण चरित किसकी रचना है? नंबर एक लाल कवि, बी नंबर सोमनाथ, सी नंबर है श्रीधर, और डी नंबर है श्रुति मिश्र। तो कृष्ण चरित की जो किस रचना है वो श्रुति मिश्र की है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि शब्द रसायन किसकी कृति है? नंबर एक घनानंद, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द रसायन है वो
देव जी की कृति है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि भूसड़ को कभी भूसड़ की उपाधि किसने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भूसड़ जी हैं उनको कभी भूसड़ की उपाधि किसने दी। ऑप्शन एक है देव ने, बी नंबर है सोलंकी राजा रुद्र ने, और सी नंबर है गोप ने, डी नंबर है ग्वाल ने। तो भूसड़ जी को भूसड़ की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन करिएगा या माइंड में प्रिसेट कर लीजिएगा कि कभी भूसड़ को भूसड़ की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ठीक है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रेतकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रेतकालीन काव्य की विशेषता नहीं। ऑप्शन मिल जाएगा रीति निरूपण, बी नंबर राष्ट्र भावना, सी नंबर चमत्कार प्रदर्शन, डी नंबर श्रृंगार की प्रमुखता। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रेतकाल काव्य की विशेषता नहीं, वो राष्ट्रीय भावना है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन एक है प्रहसन, बी नंबर महाकाव्य, सी नंबर चरित्र काव्य, डी नंबर है काव्यांग निरूपक। तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय किससे है, तो ऑप्शन एक है आपको मिली गए ऑप्शन, राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा काव्यांग निरूपक। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि रसराज कृति किसकी है, या निम्नलिखित में से रसराज किसकी कृति है। ठीक है, निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन एक मिल जाएगा ठाकुर, बी नंबर बिहारी, सी नंबर मतिराम, डी नंबर है देव। तो रस जो रसराज है वो मतिराम जी की कृति है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था और मैंने पूरे और भी क्वेश्चन इसमें पूरे 50-60 क्वेश्चन मैंने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर sandeepinfo.com, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर हिंदी समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो उस पर विजिट करिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे, तो आपकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप इसी का सेकेंड पार्ट चाहते हैं यूट्यूब वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा इसका सेकेंड पार्ट यानी। ठीक है, जिन स्टूडेंट को कोई भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं भी उसका भी मॉडल पेपर लाने की पूरी कोशिश करता हूं। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप प्रत्येक दिन 7 बजे शाम को रेडी रहिए, मेरी क्लासेज 7 बजे के बाद अपलोड होती हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।